हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन शुरू करते हैं सेकंड, माय फैमिली, मेरा परिवार। ए फैमिली इज ए सेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। एक फैमिली, एक परिवार क्या होता है? जिसमें एक ग्रुप रहता है लोगों का एक साथ, उसे हम फैमिली कहते हैं। दे टेक केयर ईच ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, लव करते हैं ईच अदर एंड हैव फन टुगेदर, और मौज मस्ती करते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन लिव विद देयर फैमिलीज। ज्यादातर बच्चे अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं। बींग विद पीपल हु लव एंड रिस्पेक्ट यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काइंड ऑफ फैमिली। फैमिली दो तरह की होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली और एंड दूसरी होती है जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर, ए स्मॉल फैमिली इन विच मदर, फादर एंड चिल्ड्रन लिव टूगेदर इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। की वो फैमिली, छोटी फैमिली जिसमें माता पिता और बच्चे ही रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। इन सम फैमिलीज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन हू लिव टूगेदर, सच ए फैमिली इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। कि वो फैमिली जिसके अंदर दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके सबके बच्चे एक साथ रहते हों, उस फैमिली को क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। यहां पे आप अपनी फैमिली की फोटो लगा सकते हो इफ यू हैव, तो ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिविटी है आपके लिए, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। ए फैमिली ट्री, एक पारिवारिक पेड़, कि एक प्रकार का पेड़ बना के आप पूरी फैमिली के मेंबर्स को शो कर सकते हो किससे किसका क्या रिलेशन है, वो उस ट्री से आपको पता चल जाता है। वी कैन डिवाइड ए फैमिली इनटू जनरेशंस। हम फैमिली को जनरेशंस मतलब पीढ़ियों में बांट सकते हैं। पीपल बोर्न अराउंड द सेम टाइम आर सेड टू बिलोंग टू वन जनरेशन। कि वो लोग जो लगभग एक ही जनरेशन में पैदा हुए हों या एक टाइम पर पैदा हुए हों, लगभग एक जगह टाइम पर, उनको हम फर्स्ट जनरेशन या वन जनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, योर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू वन जनरेशन। आपके दादा दादी जो हैं वो जनरेशन वन है। उसके बाद में योर पेरेंट्स, देयर ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड कजन्स बिलोंग टू द जनरेशन आफ्टर दैट। और आपके दादा दादी, उसके बाद में आपके जो भी पापा, चाचा, अंकल, आंटियां जो भी हैं, आपकी बुआज, उन सबकी वो फैमिली जो है वो है जनरेशन नंबर टू, और उनके बच्चे आगे जाके बनती हैं जनरेशन नंबर थर्ड। तो तीन पीढ़ियां लगभग हर फैमिली जिसमें जॉइंट फैमिली है वहां आपको मिल जाती हैं। ए फैमिली ट्री टेल अस हाउ द फैमिली मेंबर आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक फैमिली ट्री आपको बता देता है कि मैं फैमिली मेंबर्स आपस में कैसे रिलेटेड करते हैं। जैसे दादा दादी हैं, इनके ये बच्चे हैं, ये दो पुत्र और उनके पुत्र वधुएं, ये उनके बच्चे, तो ये इनके पोते हो गए, तो इन हिसाब से इनका रिलेशन इनको पता चल जाता है। अब रिलेटिव्स, हम रिलेटिव किसे कहते हैं? पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इन ए फैमिली ट्री आर कॉल्ड रिलेटिव्स। कि वो लोग जो एक फैमिली ट्री में एक दूसरे से रिलेशन है हमारा, किसी ना कोई प्रकार का रिलेशन है, तो वो रिलेशन को ही क्या बोला जाता है? रिलेटिव बोला जाता है, कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। जैसे कि दादा दादी आपके आपके साथ उनका क्या रिलेशन है? ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन, तो पोता पोती का एक रिलेटिव है, रिलेशन है। All paternal relatives are from the father's family and the maternal relatives are from the mother's family. जितने भी paternal relative होते हैं, means हमारे ददिहाल की तरफ से या दादा साइड की तरफ से जितने relative होते हैं वो हमारी father की family से होते हैं, और जो maternal relative होते हैं वो हमारी mother की family की तरफ से होते हैं। Whom do वी रिसेम्बल, हम किससे जुड़े हुए हैं या किस कौन से हम किससे हम मिलते हैं? इमेजिन इफ वी ऑल लुक्ड एंड बिहेव द सेम। मान लीजिए कि हम सब एक जैसे दिखते हों, एक जैसा व्यवहार करें, वुडंट इट गेट टू वेरी कंफ्यूजिंग एंड बोरिंग? क्या ये बहुत ज्यादा बोरिंग और कंफ्यूजिंग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम एक जैसे दिखें, एक जैसा बिहेव करें, तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कौन क्या है। We all have different features. हम सबके पास में अलग अलग features, गुण होते हैं। Most of us have black और brown eyes. ज्यादातर हमारी काली या भूरी आंखें हैं। Others have blue और grey eyes. दूसरों के नीली या फिर दूसर रंग की eyes होती हैं। Some people have long nose. कुछ के लंबा नाक, while others have small nose. कुछ के छोटा नाक होता है।
सम आर टॉल अदर्स आर शॉर्ट, कुछ लंबे और कुछ छोटे होते हैं। ईच पर्सन इज डिफरेंट इन सम और द अदर वे, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, वो किसी एक तरीके से हो सकता है, कोई एक तरीके से दूसरे तरीके से। चिल्ड्रन ऑफन रिसेम्बल देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर मेम्बर ऑफ द फैमिली, जो बच्चे होते हैं वो रिसेम्बल मैच करते हैं या तो अपने पेरेंट्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या और कोई फैमिली का मेम्बर उनके साथ जो होता है उनसे रिसेम्बल करते हैं, रिसेम्बल का मतलब मैच कर जाते हैं, थोड़ा बहुत उनके जो गुण होते हैं फीचर्स हैं वो रिलेट करते हैं। होम डू यू रिसेम्बल इन योर फैमिली, आपके साथ कौन रिसेम्बल करता है, किससे मैच होते हो आप, वो उसका आप नाम लिख सकते हो यहाँ पे। वाट कॉमन फीचर्स डू यू शेयर विद योर पेरेंट्स, कौन कौन से कॉमन फीचर हैं जो आपके पेरेंट्स के साथ, कौन कौन से गुण हैं जो आपके पेरेंट्स के साथ आपके मैच करते हैं, वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। समटाइम्स टू चिल्ड्रन आर बॉर्न टू द सेम मदर अराउंड द सेम टाइम, कभी कभार क्या होता है दो बच्चे एक ही माँ के द्वारा एक ही टाइम पर पैदा होते हैं। सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड ट्विंस, उनको हम क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं या हमारी भाषा में हम उसको जुड़वा कहते हैं। दे मे बी टू ब्रदर्स, वो दो भाई हो सकते हैं, टू सिस्टर्स, दो बहनें हो सकती हैं, और ए ब्रदर एंड ए सिस्टर, या फिर एक भाई एक बहन हो सकती है। ट्विंस मे और मे नॉट बी आइडेंटिकल, कि ट्विंस जुड़वा जो होते हैं वो शायद या शायद नहीं भी, आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे हो भी सकते हैं और एक जैसे नहीं भी हो सकते। समटाइम्स दे लुक एग्जैक्टली द सेम, कभी एक बार वो बिल्कुल एक जैसे लिखते हैं। इट मे बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर, जिससे कि उनको दोनों को पहचानने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अपने स्कूल में है ना अंकित अंकुश, अंकित और सुमित है ना, थ्री चिल्ड्रन दैट आर बॉर्न टू द सेम मदर अराउंड द सेम टाइम्स आर कॉल्ड ट्रिपल्स, कि कुछ कई बार क्या होता है कुछ कभी कईयों के तीन बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं एक ही टाइम पर, तो उन्हें बोला जाता है ट्रिपल्स। अब इसको हिंदी में आप जरूरी नहीं आते हैं, हमें इंग्लिश में सीखना है, ट्रिपल्स सही रहेगा। अब है फन विद फैमिली, फन विद द फैमिली, फैमिलीज सेलिब्रेट ओकेजन्स लाइक बर्थडेज वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स टुगेदर, फैमिली सेलिब्रेट करती हैं बहुत सारे मौकों पे, जैसे जन्मदिन हो गए, शादियां हो गई या फिर कोई त्यौहार हो गए उनको सब। फैमिलीज पिकनिक्स एंड हॉलीडेज हेल्प अस टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली मेंबर्स, कि अगर हम फैमिली पिकनिक बनाने जाते हैं या फैमिली हॉलीडेज पे घूमने जाते हैं तो हमें टाइम मिलता है हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम व्यतीत करने का, निभाने का। व्हेन फैमिली मेंबर्स लीव सीपरेटली दे स्पेशली मीट टू एंजॉय दीज इंपॉर्टेंट टाइम्स टुगेदर, जब फैमिली मेंबर अलग अलग रहते हैं, सीपरेटली का मीन्स होता है अलग अलग, तो वो स्पेशली इन मौकों पर मिलते हैं, चाहे वो बर्थडेज हो, शादी हो या फिर कोई त्यौहार हो, तो उनसे बहुत इंपॉर्टेंट। Which occasions did you celebrate with your family members a few days ago? कोई त्यौहार जो आपने अभी सेलिब्रेट किया हो, अभी तो हम कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ लॉकडाउन में हैं तो ऐसा कोई होगा नहीं, है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो ये आपका लेसन है, बुक एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, अगर आप कर सकते हो देन ओके, अगर नहीं कर पाते हो देन देर विल बी आई विल हेल्प यू। ओके बाय, थैंक यू।